प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में शान उर्दू सबक नंबर 3 दर्जा 6 के सबक को पढ़ा जाएगा। आप लोग तैयार होकर बुक खोल लें और हमारे साथ साथ जहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उंगलियों को दोहराएं। तो सबक नंबर 3 दिया है दिल्ली। उर्दू में दिल्ली लिखते हैं, अंग्रेजी में उसी को लिखना रहेगा तो लिखेंगे दिल्ली। दिल्ली हमारे मुल्क की राजधानी है। ये हिंदुस्तान का तीसरा सबसे बड़ा और तारीखी शहर है, जो जमुना नदी के किनारे आबाद है। इसकी आबादी तकरीबन 1 करोड़ है। ये शहर तारीख़ी मुकामात से भरा पड़ा है। जामा मस्जिद, लाल किला, कुतुब मीनार, पुराना किला और हुमायूं का मकबरा वगैरह, ऐसी बहुत सी इमारतें हैं जिन्हें देखने के लिए हर साल लाखों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह दिल्ली आते हैं। जामा मस्जिद को मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था, जो खूबसूरत इमारतें बनवाने का शौकीन था। जामा मस्जिद अपनी खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर है। ये मस्जिद लाल पत्थर से बनाई गई है। लाल किला भी मुग़ल बादशाहों की बनवाई हुई इमारतों में से एक है। इसे भी सुर्ख पत्थर से बनाया गया है। इस किला में मुग़ल बादशाहों और उनकी बेगमात के कपड़े, जेवरात, तलवारें और दूसरी बहुत सी चीज़ें महफूज रखी हैं। लाल किला के ठीक सामने दिल्ली का मशहूर बाज़ार चांदनी चौक है। इस बाज़ार में आम आदमी की ज़रूरत की हर चीज़ मिलती है। ये बहुत ही खूबसूरत बाज़ार है। रात को इसकी खूबसूरती बिजली की रोशनी में नहा जाती है। इस बाज़ार के एक रुख पर लाल किला है तो दूसरे रुख पर मस्जिद फतेहपुरी है। मस्जिद फतेहपुरी के बिल्कुल नज़दीक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है। पुरानी दिल्ली भी दिल्ली के शहर का एक हिस्सा है। यहाँ की आबादी बहुत घनी है। यहाँ की सड़कें और गलियाँ बहुत तंग हैं। दिल्ली का दूसरा हिस्सा नई दिल्ली है, जिसे अंग्रेज़ों ने आबाद किया था। इस हिस्सा में भी सदारती महल, पार्लियामेंट हाउस और कुतुब मीनार जैसी खूबसूरत इमारतें हैं। सदारती महल और पार्लियामेंट हाउस को अंग्रेज़ों ने बनवाया था तो कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तामीर कराया था। कनाट पैलेस यहाँ का खूबसूरत बाज़ार है। इस बाज़ार में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जहाँ अक्सर गैर मुल्की सयाह भी ख़रीदारी करने आते हैं। नई दिल्ली की सड़कें बहुत कशादा हैं। इन सड़कों के दोनों तरफ दरख्तों की कतारें देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। मरकज़ी हुकूमत के ज़्यादातर दफ्तर और दूसरे मुल्कों के सिफारत खाने नई दिल्ली में ही वाक़े हैं। दिल्ली में सफदरजंग, पालम और इंदिरा गांधी नाम के 3 हवाई अड्डे हैं। सफदरजंग हवाई अड्डे से छोटे और हल्के हवाई जहाज़ उड़ाए जाते हैं। इस हवाई जहाज अड्डे पर हवाबाजों को हवाई जहाज़ उड़ाने की तरबियत भी दी जाती है, जबकि पालम और इंदिरा गांधी अड्डे से मुल्की और गैर मुल्की हवाई जहाज़ परवाज करते हैं। पन्ना पलट लीजिए। दिल्ली में कई यूनिवर्सिटियाँ भी हैं, जिनमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया, हमदर्द यूनिवर्सिटी, JNU और देहली यूनिवर्सिटी बहुत मशहूर हैं। इन यूनिवर्सिटियों में मुल्की और गैर मुल्की तलबा तालीम हासिल करने की गरज से आते हैं।
कुल मिलाकर दिल्ली बहुत खूबसूरत शहर है, इसलिए इसे हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है। तो बच्चों, ये था आपका सबक आज पढ़ाया गया। आप लोग भी खूब मेहनत से इसे पढ़ेंगे और हर मुश्किल अल्फाजों को कापी पर लिखकर उसको माना लिखेंगे और दोहराएंगे, याद करके स्कूल वाले नंबर पर भेज देंगे। शुक्रिया।